अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राई। दोस्तों, ये एक बहुत सिंपल रेसिपी है। इसे हम चपाती, फुलका या तो फिर चावल के साथ एज ए साइड डिश ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भिंडी फ्राई किस तरीके से बनाना है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक नज़र देख लीजिए। 500 ग्राम भिंडी, एक बड़ा साइज़ की प्याज, एक बंच कोतमीर, मुट्ठी भर चना दाल, आधा चाय का चम्मच राई, आधा चाय का चम्मच जीरा, दो लाल सूखे मिर्च, थोड़े करी पत्ता, एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच मिर्ची, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा नींबू का स्लाइस, 3 टेबलस्पून तेल। सबसे पहले हमें स्टोव ऑन करेंगे। एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें राई ऐड करेंगे। जैसे राई फटने लगे हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके साथ साथ अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब 2 सूखे लाल मिर्च, एक में 2 आधे करके डालिए, थोड़े करी पत्ता और मुट्ठी भर का चना दाल डालकर इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए। प्याज को अब हमें जलाना नहीं है, सिर्फ इसका रंग बदलने तक इसे हम फ्राई करना है। ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसमें ड्राई मसाले शामिल करेंगे, हल्दी, फिर मिर्ची, फिर नमक शामिल करेंगे, करके 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ड्राई मसालों को। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी को आप किसी भी शेप में काट सकते हो। भिंडी को मीडियम फ्लेम पर रखकर 5 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसे ढक्कन ढककर भाप में 15 मिनट तक पकाएंगे और हर 5 मिनट में एक मर्तबा बीच बीच में इसे हिलाते जाइए ताकि ये दाग ना लगे। ये देखिए, 15 मिनट के बाद भिंडी पूरी गल चुकी है। एक बार हिला लीजिए। अब हम इसमें आधा नींबू का रस शामिल करेंगे। नींबू का रस शामिल करने के बाद एक बार अच्छे से हिला लीजिए। हिलाने के बाद अब हम इसमें कोतमीर ऐड करेंगे। कोतमीर ऐड करने के बाद हम ढक्कन ढककर स्टोव ऑफ कर देंगे। स्टोव ऑफ करके इसे 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। दोस्तों, भिंडी फ्राई बनकर तैयार है। इसे आप फुलका, रोटी या तो फिर चावल के साथ एज ए साइड डिश खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।